हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हमके गार्डन। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जो भी गलती हो जाए तो माफ करिएगा, पैर छूकर धन्यवाद कर रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को कुछ प्लांट दिखाने वाली हूँ जो नर्सरी से लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या लेकर आई हूँ फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये सर्दियों में खिलने वाले प्लांट मैं लेकर आई हूँ, जिनका अब सीजन आ गया और आपके गार्डन में चार चांद लगाएंगे, फ्लावर ही फ्लावर करेंगे। तो देख लीजिए, ये गेंदा का है हाइब्रिड, और ये हो गया डैंटस। देख सकते हैं, मतलब जो अभी सीजनी वाले हैं सारे पौधे लेकर आई हूँ, जितने पर्याप्त थे। अभी बाकी नहीं लाई हूँ क्योंकि उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, तो जो जितने थे उतने ही लेकर आई हूँ फ्रेंड। ये पिटूनिया है, देख लीजिए आप, और ये तो घमेरा था, ऐसे कुछ कटिंग थी ये, और ये है सदाबहार। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इसका ये कलर। और मतलब अब ये सर्दियों में ही सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे, हमारे गार्डन में फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे। तो वही फ्लावर्स जितने भी प्लांट हैं ये सारे विंटर सीजनी। ये देखिए, ये मतलब अभी देखने में दोनों एक जैसे कलर लग रहे हैं, लेकिन दोनों अलग हैं, थोड़ी अंतर है। और ये बर्मीना हो गया रेड का, और ये दोनों सदाबहार हो गए। सभी के नाम बता दी जाऊँगी फ्रेंड मैं। तो आप भी देर ना करिए और जल्दी से ये सीजनी वाले फ्लावर आप भी अपने गार्डन में ले आइए और लगाइए। ये भी डैंटस है, ये दूसरा कलर है, क्योंकि कई सारे कलर आते हैं, मन करता है ये भी कलर ले लो, वो भी कलर ले लो, लेकिन नहीं ले पाते। तो मैंने दो ही लिया हुआ है, और कलर तो बहुत सारे थे। ये भी बर्बीना ही है फ्रेंड, ये पिंक कलर का है, और ये हो गई उसका क्या नाम, बटरफ्लाई इसको बोलते हैं फ्रेंड। और ये हो गई पिटूनिया, ये दूसरे कलर में है। पिटूनिया के भी बहुत सारे कलर होते हैं, रेड, बैगनी, वाइट और पीला, पता नहीं कितने कलर होते हैं फ्रेंड, नीला। ये देखिए रेड हो गया, तो मैंने दो ही लिया हुआ, दो ही तीन ऐसे लगभग, कि ये अलग अलग कलर के हैं। तो अच्छे लगते हैं फ्रेंड जब कई कलर फ्लावर्स गार्डन में खिल जाते हैं, तो हमारा गार्डन बहुत सुंदर लगता है। और ये हो गया गजेनिया, तो देखिए लाने में ही मतलब उतनी दूर से, काफ़ी दूर पड़ता है, 25 किलोमीटर से दूरी है, तो वहाँ से हम लाते हैं। तो फ्रेंड लाने में इधर उधर पौधे जो होते हैं इधर उधर हो जाते हैं, कोई गिर जाता है, कोई कुछ रुक जाता है। तो देखिए मेरी एक पौधे की थोड़ी सी डाली टूट गई थी और एक उसमें से गिर गया था। तो अब गाड़ी में जाते हैं, मोटरसाइकिल में 200 का फ्रेंड तेल लगता है, और जो पौधे लेते हैं उनके पैसे लगते हैं। तो फ्रेंड कितनी मेहनत बताइए हम कर रहे हैं, और वीडियो नहीं वायरल हो रही तो मन बहुत उदास हो जाता है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, और हमारे पैसे, हम खूब जानते हैं कि हमारे पैसे ही इसमें से जाम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, क्योंकि जो भी हम गार्डनिंग में कर रहे हैं तो पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं फ्रेंड। और अभी तक कोई यूट्यूब से ऐसा कुछ पेमेंट आ ही नहीं रहा, डॉलर ही नहीं बढ़ रहा है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि वो आगे बढ़े, ताकि कुछ फ़ायदा हो हम लोगों को, नहीं तो इतने सारे पौधे भी लगे हैं फ्रेंड। और एक उम्मीद है कि कभी ना कभी ऐसा होगा, पर प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो अगर खोला करें तो वीडियो को पूरी देखा करें, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और देख सकते फ्रेंड, इधर सारे ये मेरे जितने भी ये फ्लावर हैं, फ्लावर प्लांट रखे हुए हैं, सभी इनमें से थोड़े एक एक दो दो बस लेकर आई हूँ। अभी बहुत सारे जो मेरा साल भी अभी रह गया है, और अभी देखिए गुलदावरी में कई कलर आते हैं, तो वो भी रह गई है। ये देखिए मेरे गुलाब का है, और रह गया है एक मेरा, काफ़ी सारे ऐसे हैं जो रह गए हैं, अभी तो नहीं लेकर आई हूँ। अब फिर देख सकते फ्रेंड, फाइनली मैंने इनको लगा भी दिया है। तो मैंने मिट्टी उट्टी बनाने वाला वीडियो नहीं आप लोगों को दिखाया, क्योंकि मेरे जब हाथ भर जाते हैं तो कोई मोबाइल नहीं पकड़ता, इसलिए फिर मैंने इन सभी को लगा दिया है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने इनमें से सभी को इनके प्लांट के अनुसार ही इनको पॉट दिया है। आप लोग देख लीजिए, और आप भी अपने जो प्लांट है उसके अनुसार ही इनको पॉट दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में इनको चेंज करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी से आप थोड़ा बड़ा ही पॉट दे दीजिएगा, क्योंकि ये अच्छे से फ्लावरिंग कर ले। और छोटे पॉट में थोड़ी सी करेंगे, ये अब लग गए हैं, और ये अप्रैल मई तक इसी तरह फ्लावरिंग करते रहेंगे। मार्च अप्रैल में तो करते ही हैं, मई भी लास्ट पकड़ लेते हैं, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। फिर जब ज़्यादा लू चलने लगती है तभी ये ख़राब होते हैं, बाकी अभी ये इसी तरह फ्लावरिंग करेंगे। तो फाइनली मेरे सारे पौधे जितने भी थे मैंने लगा के रेडी कर दिया है, और फ्रेंड मुझे लगाने में बहुत टाइम लगा है। मैं 3 बजे से शुरू कर दी हूँ, नहीं सॉरी
दो बजे से लगाना शुरू कर दी थी और शाम हो गई थी लगा, मिट्टी बनाओ इसमें से सब सारी चीज़ें मिलाओ, फिर बाद में इन पॉट में से कुछ नीचे डालो, पत्तियां वगैरह जो भी आपके पास हो वो डालो ताकि जो ड्रेनेज होल होती है वो बंद ना हो, पानी भी जो एक्स्ट्रा हो निकलता जाए, और इसी के अनुसार से इनमें से पानी भी हमें डालना है। और अभी दो दिन के लिए मैं छाया में रखूंगी ताकि ये मिट्टी पकड़ ले, फिर बाद में हम इनको धूप में रखें। इस बात का हमें ज़रूर ध्यान देना होता है कि जब भी हम नर्सरी से कोई पौधे लाएं तो पहले हम इनको छाया में ही रखें और फिर बाद में दो दिन के बाद इनको धूप में रखें ताकि ये मिट्टी पकड़े लें, इनकी जड़ थोड़ी थोड़ी निकल आए फ्रेंड। और देखिए मेरा ये गुलाब का मैं इसको लेकर आई हूँ और सारे पौधे सीजनी जितने भी 30-30 के मिले फ्रेंड, और गुलाब 60 का है मतलब, और 100, 100, 150 मतलब हर तरह के मिल रहे थे लेकिन मैंने इतना ही लिया। और जो ये सीजनी वाले हैं विंटर के हैं जो सब 30-30 के मिल रहे थे फ्रेंड, और सभी 30-30 के ही मिलते हैं। आपके इधर कितने के मिलते हैं आप लोग कमेंट बताइएगा। और बहुत मेहनत से फ्रेंड इनको लगाई हूँ लाई हूँ, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को वायरल कीजिएगा प्लीज़, आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो पूरी देखा करें क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ और बहुत मेहनत सभी मेहनत करते हैं, मैं बस नहीं हूँ कि मैं ही एक सिर्फ मेहनत कर रही हूँ, सभी मेहनत करते हैं, बस अपना अपना नसीब है, जब नसीब होता है तभी सब, नसीब से पहले कुछ मिला नहीं है फ्रेंड। तो अब जब आप लोगों की दुआ होगी तभी पेमेंट आएगा, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि मेरे भी वीडियो वायरल हो, मेरे 100 भी उससे तो ऊपर आते नहीं हैं, पता नहीं क्या हो गया है बस इतने ही होके रह जाते हैं। तो फ्रेंड आगे क्या बोलूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो पूरी देखा करें, और आप भी जल्दी से फटाफट ये वाले प्लांट लगा लो, आपका गार्डन फूलों से भर जाएगा, चार चांद लगेंगे, अब फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे, अब आपका गार्डन सूना नहीं लगेगा, फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे हर कलर के। तो बाय बाय, लव मे गार्डन लव मे फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल